दोस्तों आ गया है संडे, जी हाँ, एंड दिस इज हैशटैग आस्क अरुण एपिसोड नंबर 250। 250 एपिसोड हो गए। नीचे कमेंट से बताइए कि पहला हैशटैग आस्क अरुण का एपिसोड कब आया हुआ था, डेट गो डाउन एंड टेल इन द कमेंट। लेकिन 250, माय गॉड, 5 साल हो गए नियरली, और मैंने कहा कुछ स्पेशल करना चाहिए दोस्तों, एंड दिस इज अ न्यू प्लेस। यस, नया सेटअप हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा सेटअप है। अभी मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, लेकिन आप आजू बाजू देखिए, आपको कुछ पता चल जाएगा। यस, थ्रू आउट दिस आस्क अरुण एपिसोड और भी कुछ चीजें दिखाने वाला हूं, इसीलिए एंड तक रुकिएगा दोस्तों। यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस एपिसोड, दैट इज अ प्रॉमिस। वैसे बहुत सारे बढ़िया सवाल भी लिए हुए हैं जो हमेशा लेते हैं, बढ़िया से जवाब भी देने वाला हूं, और आपके संडे को 4 चांद लगाने वाला हूं, एटलीस्ट आई एम होपिंग टू डू सो। आगे बढ़ने से पहले, पहला सवाल लेने से पहले दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं हो जरूर कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज आ रहे हैं आपके लिए। आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट इफ यू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कर दीजिए। चलिए लेते पहला सवाल आता है SS Gamer with Saurabh से। हेलो दादा, व्हाट इज योर फेवरेट UI, रियलमी, MIUI, ऑक्सीजन, फनटच? मैं कहूंगा कलर ओएस इज नाउ माय फेवरेट। अगर मैं स्किन के बारे में बात करूं, वैसे मुझे क्लीन नेटिव एंड्रॉयड एक्सपीरियंस पसंद है, बट यस, कलर ओएस इज मच 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 इम्प्रूव्ड, पहले से तो बहुत अच्छा हो गया है। सो कलर ओएस इज व्हाट आई विल से, बहुत सारे कस्टमाइजेशन भी है उसमें, या फिर मोटरोला का भी, इट्स अ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। सो मोटरोला का जो MIUX होता है वो भी अच्छा है, क्लीन है, नेटिव एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है, सो दैट इज दैट। रोहित कुमार मीना पूछते हैं, ब्रो प्लीज सजेस्ट बेस्ट टैबलेट अंडर 30,000 फॉर स्टडी। अंडर 30,000, अभी एक रेडमी पैड आया हुआ है बजट के, जो रियलमी के हैं कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं। सो रियलमी पैड एक्स है, दैट यू कैन लुक एट, वो 20-25 हज़ार की प्राइस रेंज में आता है, या फिर रेडमी पैड, आई थिंक दैट इज मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, इनफैक्ट और भी सस्ता है, उसका ऊपर वाला वेरियंट आप 20,000 तक ले सकते हो। सो दैट इज वॉट, वैसे भी लिंक्स दे रहा हूँ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखिएगा। लेते हैं अगला सवाल, नाम कार्तिक गणेश पूछते हैं, सर आई ओन अ पिक्सल 2 XL, विल पिक्सल 7 बी एब्सोल्यूटली अ ह्यूज अपग्रेड? यार आई मीन पिक्सल 2 XL बहुत पुराना है, मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली अपग्रेड कीजिएगा। हमारा पिक्सल 7 एंड 7 प्रो का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। ऊपर जाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं, पहले नीचे जाते हैं। चलो आयुष पूछते हैं, जी हाँ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, बहुत बड़ा है ये, इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन। सर 6G कब आएगा? 6G जो है ना, दैट आई थिंक विल कम 6-7 ईयर्स लेटर, मतलब मैं कहूँगा क्लोजर टू 2029 तक आने वाला है। सो या, दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। अगला सवाल लेते हैं, आता है निशांत से, पूछते हैं आईफोन में क्या है जिसे वो बहुत पॉपुलर है? क्यों हंस रहा हूँ? देखिए आईफोन जो लेते हैं ना लोग, वो आईफोन लेते हैं, ब्रांड सबसे बड़ी, ब्रांड वैल्यू जो है जब आप आईफोन लेके घूमते हो, वो सबसे बड़ी चीज़ आईफोन में है, क्योंकि देखिए प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है उसकी, एंड लोगों को जब कोई देखता है आईफोन के पास तुम्हारे हाथ में, तो ऐसे लगता है कि यार स्टेटस, सो स्टेटस के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आईफोन, उसकी वजह से लेते हैं। लेकिन फीचर्स के मामले में मैं कहूँगा एंड्रॉयड ज़्यादा फीचर रिच, अगर आप देखोगे इकोसिस्टम की तरफ देखोगे, ओपननेस की तरफ देखोगे, तो मुझे लगता है कि एंड्रॉयड ज़्यादा अच्छा है। चलिए बाहर जाते हैं। ऑलराइट, कैसे ओपन करना है? ऑलराइट, इधर से आ जाइए। ओह माय गॉड, नई जगह है दोस्तों, अब क्या करें, कम। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट सवाल, आउटडोर्स आ गए हैं, जी हाँ, दिस इज काइंड ऑफ अ टेरेस। यस, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने, मैंने बताया था आपको कि मैं बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, बताने वाला नहीं हूँ, बता तो रहा हूँ। सागर पूछते हैं, जियो 5G पुणे में कब तक लॉन्च होगा? मेरे हिसाब से बाय दिसंबर, नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा, सो यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम अराउंड दैट टाइम। आई एम ऑल्सो वेटिंग अपडेट, अभी भी आया होता तो मैं इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि एप्पल ने अपडेट नहीं दिया हुआ है, वो भी दिसंबर में रिलीज करने वाले। इमचा तोशी आई मोलियर, डिड आई प्रोनाउंस इट करेक्टली? ओके, पूछते हैं, विथ ऑल द न्यू इनोवेशंस एंड लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज वन अपडेट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यू आर ईगरली वेटिंग टू सी फॉर अ स्मार्टर फोन? ओ दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। हार्डवेयर के मामले में मैं एक बात कहूँ, बैटरी टेक्नोलॉजी जो है ना वो चेंज होनी चाहिए, मतलब एक बार चार्ज कर दी आपका स्मार्टफोन, चार्ज कर दिया तो कम से कम 15-20 दिन रहना चाहिए, ऐसे कुछ आना चाहिए। ग्रैफिन बैटरी, मुझे लगा था 5 साल पहले कि ग्रैफिन बैटरी आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया हुआ नहीं है, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। एंड चार्जिंग टाइम्स, हाँ, 1 मिनट चार्ज कर दिया पूरा फोन चार्ज हो गया, ऐसे कुछ। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँ तो
मुझे लगता है कि AI जो है that will take over slowly. तो AI की जो इम्पोर्टेंस होने वाली है सॉफ्टवेयर में वो ज़्यादा बढ़ने वाली है। चलिए अब हो गए बाहर, देखते हैं अंदर, कम लेट्स गो। अटक गया है निखिल अटक गया है, छोटा सा ही उधर दरवाजा है बाहर जाने के लिए। तो तब तक अगला सवाल लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द क्वेश्चन आता है अमोल से। अमोल पूछते हैं, इफ वी वांट टू बाय जेन्युइन प्रोडक्ट शैल वी बाय इट फ्रॉम कंपनीज ऐप स्टोर लाइक Xiaomi, Realme और फ्रॉम ई कॉमर्स साइट लाइक। ओके, तो ये पूछते हैं कि भाई Realme या Xiaomi उनका जो कंपनी स्टोर होता है उनके वेबसाइट से लेना चाहिए या फिर ई कॉमर्स साइट जैसे Amazon और Flipkart है उसके जैसे लेना चाहिए। मेरे हिसाब से इट विल ऑलवेज बी बेटर इफ यू बाय इट फ्रॉम कंपनी स्टोर, लेकिन उधर एक प्रॉब्लम होता है, उधर उतने ऑफर्स नहीं होते हैं। ऑफर्स जो होते हैं वो ई कॉमर्स साइट पे ज़्यादा मिलते हैं, तो आपको प्राइस डिफरेंशियल होता है कभी कभी, स्पेशली जब सेल के सीज़न होते हैं। बट दोनों ही तरफ आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज फेक वगैरह इतना आजकल ई कॉमर्स से हट गया है, पहले होता था, अभी इतना ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी अभी भी आता है। सो कंपनी स्टोर इज सेफर, जस्ट अगर मैं बोलूँ तो। अक्षय फौजदार पूछते हैं, सर प्लीज पिक माई क्वेश्चन। एयरटेल एंड जियो ऑलरेडी लॉन्च देयर 5G सर्विसेज इन सम सिटी, बट स्टिल देयर 4G नेटवर्क्स आर स्ट्रगलिंग इन रूरल एरियाज, व्हाई दे कांट फोकस ऑन। देखिए ये तो इनहेरेंट प्रॉब्लम है। एक बात मैं आपको बता दूं कि 5G आने के बाद 4G बंद होने वाला है ऐसे कुछ नहीं है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। 4G होने वाला है और जैसे 4G के प्रॉब्लम्स वैसे 5G में भी आने वाले हैं और इसके आगे भी 4G के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। सो दैट इज़ अ नेटवर्क इशू, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, वो टेलीकॉम ऑपरेटर का इशू है, दैट इज वॉट दे नीड टू रिजॉल्व। ओके, लाइट्स भी लग गए, वाओ लवली। लेते हैं अगला सवाल। अरुणा कुलकर्णी पूछते हैं, अरुण दादा मुझे एक टैब लेना है पर्पस के लिए 60,000, तो मैं आईपैड कहूंगा आपसे। बिजनेस पर्पस के लिए लेना है तो आईपैड ले लीजिए, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, गो एंड चेक इट आउट। लेते हैं अगला सवाल। आता है रवि राज से, पूछते हैं अभी नया 4G मोबाइल लिया है तो 5G नेटवर्क आया है, 4G मोबाइल का क्या करें, 4G नेटवर्क अरे नहीं बंद होने वाला है यार। डोंट वरी, मैंने ये पिछले 3 आस्करों में बताया हुआ है कि नहीं होने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट। 4G नेटवर्क चालू रहेगा अगले 4-5 साल तक रहेगा, और मैंने ये भी बताया हुआ था कि 3-4 साल के बाद भी 4G पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, 4G लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, 5G नहीं। धीरे धीरे इट टेक्स टाइम फॉर 5G सब जगह पे, अगले एक साल में हार्डली 10% लोगों के पास 5G होने वाला है, सो 4G वाले चिंता मत कीजिए। मोहन पूछते हैं, दादा Redmi Note 12 कधी येणार? माझ्या हिशोबाने नोव्हेंबर एंड डिसेंबर पर्यंत यायला पाहिजे, इनफॅक्ट नोव्हेंबरमध्येच यायला पाहिजे। त्याचे रूमर्स वगैरे चायनामध्ये आधी लॉन्च होणार त्याच्यानंतर। मैं कह रहा था कि Redmi Note 12 जो है, मैं मराठी में बात करना चालू कर दिया, Redmi Note 12 जो है ये नवंबर तक आ जाएगा, पहले चाइना में लॉन्च होगा उसके बाद में इंडिया में आएगा। उमर फारूक पूछते हैं, इज एप्पल वॉच अल्ट्रा वर्दी फॉर टिपिकल इंडियंस? नो इट इज नॉट, आई विल बी ऑनेस्ट, 90,000 स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है, एब्सोल्युटली मत कीजिए। ये सिर्फ जो ट्रैकिंग ज़्यादा करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, एडवेंचर्स में ज़्यादा है उनके लिए है ये, बाकी लोगों के लिए नॉर्मल आप और मेरे जैसे के लिए नहीं। अब है मेरे पास तो मैं डाल रहा हूँ, वरना हंसराज पूछते हैं, आई एम प्लानिंग टू बाय अ 2-व्हीलर ईवी, ओला S1 प्रो और एथर 450X जेन 3। आई टेल यू व्हाट, मैंने दोनों भी मैंने यूज़ किए हुए हैं, यूज़ यानी टेस्ट किए हुए हैं, एंड आई टेल यू ऑनेस्टली Ather 450X is much more matured product। अभी भी Ola One S1 Pro में थोड़े issues हैं, वो भी resolve हो रहे हैं। अगर माइलेज सिर्फ इंपॉर्टेंट है तो आप ओला S1 Pro के पास देख सकते हो, बट अदर देन दैट 450X इज इन माय व्यू बेटर वन। व्हेन वुड आईफोन गेट 5G सॉफ्टवेयर अपडेट? लीजिए दिसंबर, ऐसे कह रहे हैं वो, दिसंबर मिड दिसंबर तक आ जाएगा। तो अगर आपके एरिया में आपके पास आईफोन है और 5G नेटवर्क भी आया हुआ है फिर भी आपको 5G नहीं मिल रहा है, देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट एप्पल के हाथ में है सब कुछ, दैट इज व्हाट इट इज। लेते हैं अगला सवाल। आता है, नहीं खत्म हो गए, साजिद कह रहा है ऑल द क्वेश्चंस आर ओवर। कैसे था ये? अभी अभी लिया हुआ है दोस्तों, नया सेटअप है, नया सेट है, इधर बहुत सारी चीज़ें करनी है तो थोड़ा अलग, क्योंकि हमारा वो वाला भी स्टूडियो है बट ये भी जो है ये थोड़ा अलग होने वाला है, थोड़ा ओपन होने वाला है, थोड़ा अलग होने वाला है दोस्तों, एंड इधर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लाने वाले हैं आपके लिए, सो जस्ट वेट फॉर इट, इट इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक। इसीलिए मैंने कहा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगले कुछ दिनों में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं। देखिए सेल वगैरह जो है वो अब खत्म हो गए, लॉन्चेस भी नियरली खत्म हो गए, अब जो इंटरेस्टिंग यूनिक वीडियोस होते हैं वो लेके आने वाले हैं आपके लिए। वैसे कैसे था आज का #AskAroon? 250वां एपिसोड है दोस्तों, लाइक तो आज बनता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।